गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट एवियर्स। आज आपका ये न्यू चैप्टर है, चैप्टर टू है, गेम्स इन द मॉडर्न टाइम। गेम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। गेम्स क्या है? हमारी लाइफ का महत्वपूर्ण रोल है, मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। दे गिव अस रिफ्रेशमेंट व्हेन वी गेट टायर्ड एंड बोर्ड। हम जो बोर और टायर्ड होते हैं आफ्टर डूइंग द सेम काइंड ऑफ एक वर्क करके, हम जब बोर होते हैं तो हमको लॉन्ग टाइम जब बोर हो जाते हैं तो हमको गेम खेलनी चाहिए। ऐसा व्हेन वी प्ले गेम्स अवर माइंड इज रिलैक्स। गेम खेलने से अपना माइंड क्या होता है, रिलैक्स होता है, हो जाता है। गेम्स हैव मैनी अदर एडवांटेजेस टू लेट्स नो मोर अबाउट देम। उसके क्या एडवांटेजेस है, मीन्स क्या फ़ायदे हैं, वो आपको मैं बताती हूँ। गेम्स कीप अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। गेम्स अपने बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग करती है। व्हेन वी प्ले अ गेम एंड फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशंस वी बिकम मोर डिसिप्लिन इन लाइफ। व्हेन वी प्ले अ गेम वेल इट डेवलप्स अवर कॉन्फिडेंस। बाय प्लेइंग गेम्स वी चैनलाइज अवर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी इन अ मोर पॉजिटिव मैनर। गेम्स हेल्प अस इन स्टाइंग फोकस एंड नॉट इंड्यूस इन अनहेल्दी हैबिट्स। दे हेल्प अस टू हैंडल फेल्यूअर बेटर। वी कैन ग्रुप गेम्स इन टू टू टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। गेम्स कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर। इंडोर मीन्स जो हम अंदर खेल सकते हैं घर के अंदर, और आउटडोर मीन्स जो बाहर खेल सकते हैं वो गेम्स। ठीक है, इंडोर गेम्स। अब इंडोर गेम्स किसको बोलोगे? गेम्स लाइक लूडो, चेस, कैरम, स्नेक एंड लेडर, टेबल टेनिस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडोर गेम्स जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं। दिस गेम्स आर प्लेड इनसाइड अ कोर्ट और इंडोर स्टेडियम। विच इंडोर गेम डू यू लाइक टू प्ले, आपको कौन सी गेम पसंद है वो आपको लिखना है। ठीक है, अभी आउटडोर गेम्स किसको बोलते हैं? गेम्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा प्लेड आउटसाइड अवर होम जो हम घर के बाहर खेलते हैं। दिस गेम्स आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड्स, कोर्ट्स एंड स्टेडियम, दे आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स। इंडिविजुअल गेम्स, अ गेम विच इज प्लेड बाय अ सिंगल प्लेयर इन हिज हर ओन कैपेसिटी इज कॉल्ड अ इंडिविजुअल गेम। मीन्स एक प्लेयर ही या हर, बॉय या गर्ल, कोई भी खेलता है उसको इंडिविजुअल गेम बोलते हैं। जिमनास्टिक, स्विमिंग, रेसिंग, जंपिंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, आर्चरी, गोल्फ एक्सेट्रा आर इंडिविजुअल गेम्स। वी प्रैक्टिस दिस गेम्स अलोन विद द हेल्प ऑफ अवर टीचर और कोच। हम किसकी मदद से गेम खेल सकते हैं? टीचर और कोच की मदद से। वी कैन प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वी कैन गेट प्रॉपर ट्रेनिंग। With hard work and practice, we can do well in these games. We can take part in inter-school and intra-school competition. We can bring laurels to our school and make our teachers proud. Can you name some other individual games? आपको name means ये करने हैं, name बताने हैं individual games के। तो swimming है, cycling है, मैंने आपको आगे बताया, racing है, jumping है, skating है। अभी team games। अभी टीम गेम्स में क्या होता है, पूरी टीम होती है, वन पर्सन नहीं होता है। मैनी गेम्स आर प्ले इन ग्रुप्स, एक ग्रुप्स में खेली जाती है। सच गेम्स आर प्लेड बिटवीन टू टीम्स, टू टीम्स के बीच में। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम वेरियस फ्रॉम गेम टू गेम। सच गेम्स आर कॉल्ड टीम गेम्स। जैसे क्रिकेट में 12 होते हैं, 11 होते हैं, जैसे फुटबॉल में, जैसे सेम मिस गेम में उसको क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है कि कितने इसमें पर्सन है। ठीक है, वॉलीबॉल टीम गेम्स। वी मोस्टली प्ले टीम गेम्स एट स्कूल ड्यूरिंग अवर फिजिकल एजुकेशन पीरियड। कैन यू नेम सम अदर टीम गेम्स, आपको अदर टीम गेम्स के नेम लिखने हैं। देर आर सम अदर स्पोर्ट लाइक बैडमिंटन एंड टेनिस विच आर प्लेड विथ बोथ एज इंडिविजुअल इवेंट्स एंड टीम इवेंट्स। इन दिस गेम्स अ टीम कॉम्प्राइजेज ऑफ टू प्लेयर्स इन साइड। अभी टीम स्पिरिट।
इन एन इंडिविजुअल गेम लाइक चेस और रेसलिंग अ प्लेयर डज नॉट डिपेंड ऑन अदर प्लेयर्स फॉर विनिंग ही हैज टू डिपेंड सोली ऑन हिमसेल्फ एंड यूज ऑल हिज स्किल्स टू कम्प्लीट विद द ओपोनेंट इट इज एंटायरली अप टू हिम टू डिसाइड हाउ टू शूट प्ले टू विन द गेम अ विन और लॉस डिपेंड ऑन हाउ गुड द प्लेयर इज एंड हाउ वेल ही प्लेज ऑन दैट पर्टिकुलर डे अगेंस्ट हिज ओपोनेंट But a team game like cricket or hockey involves number of players in a team. No single player, however talent he may be, can win a game. Means one player का talent नहीं देखा जाएगा इसमें, पूरा team का देखा जाएगा कि पूरे team ने कैसा performance किया है. Can win a game solely on his individual. In a team games, victory or loss belongs to the entire team and not to any individual player. In a team, team player cannot be selfish and play as he likes to be a part of team. A player must understand the requirement of the team and support his teammates in each achieving the common goal. That is winning. The players in a team must play together as a team. A team in which his player is willing to give his best for his team mates is said to possess team spirit. Team series aims at developing trust and companionship among the team members. Every player develops a loyalty to his team and does not play for his interest alone. A team of less talented players with a high team spirit has more chance of winning than a bunch of very talented but selfish players who have not team spirit. Players in a team with high team spirit encourage means एक दूसरे को encourage करना चाहिए इस other to make means selfish नहीं होना चाहिए इसमें and effort to perform selfish means स्वार्थ आपके इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए और encourage करना चाहिए means उनको response देना चाहिए means को और बड़ा आगे means encourage होना encouraging करना चाहिए उनको वेल एंड वीट ड्यूरिंग अ कंप्लीट अभी नेक्स्ट जो आपको टीम कैप्टन है वहाँ से आपका चैप्टर इनकम्प्लीट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी ये आपको चैप्टर रीड करना है ठीक है थैंक यू